मथुरा का सिंधी समाज एक बार फिर एकजुट होने जा रहा है। मौका होगा गोवर्धन में आयोजित 7वें छप्पन भोग और अभिषेक का, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में बहादुरपुरा स्थित स्वामी लीला शाह सिंधी धर्मशाला में आयोजित बैठक में सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष नारायण दास लखवानी ने इस आयोजन के लिए जीवत राम चंदानी को मुख्य संयोजक नियुक्त किया। इसके साथ ही उनके द्वारा 5 अन्य संयोजक भी नियुक्त किए गए, जिनमें जितेंद्र लालवानी, कन्हैयालाल भाई जी, सुरेश मेठवानी, प्रदीप उकरानी और हरीश चावला सम्मिलित हैं। मीडिया प्रभारी किशोर इसरानी के अनुसार 2 सितंबर सोमवार शाम 5 बजे राधिका विहार और डैम्पियर नगर संग्रहालय से नए बस स्टैंड कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन के लिए बसें रवाना होंगी, जहां से राधा कुंड रोड स्थित श्री राधे श्याम सेवा सदन पहुंचकर संध्या भोज करने के उपरांत झूलेलाल के अनुयायी रात्रि 10 बजे गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करेंगे। मंगलवार सुबह 9 बजे राधिका विहार और डैम्पियर नगर म्यूजियम से एक बार फिर गोवर्धन के लिए बसें रवाना होंगी और राधा कुंड रोड स्थित गौड़ीय मठ के सामने स्थित श्री राधे श्याम सेवा सदन पर सर्वप्रथम श्री गिरिराज जी का अभिषेक और 56 भोग दर्शन होंगे। इस मध्य आगरा के ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां होंगी। तदुपरांत 12:30 बजे साधु संत सेवा और 1:30 बजे से सजातीय लोगों के लिए भंडारा होगा। सिंधी जनरल पंचायत के उपाध्यक्ष रामचंद्र खत्री के अनुसार झूलेलाल जन्मोत्सव के बाद 56 भोग के दौरान झूलेलाल जन्मोत्सव के बाद समाज के लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं और सभी सजातीय बंधु इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार पधारें। मैं रामचंद्र खत्री, पूज्य सिंधी जनरल पंचायत का उपाध्यक्ष, सभी सिंधी भाइयों से निवेदन करता हूं कि पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के तत्वाधान पर 2 और 3 सितंबर को 56 भोग का आयोजन गोवर्धन में राधेश्याम सेवा सदन बस स्टैंड के पास किया गया है। अतः सभी सिंधी भाइयों से निवेदन है कि 2 तारीख को रात को 10 बजे सत कीर्तन के साथ परिक्रमा लगाई जाएगी। इसमें सभी सिंधी भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज को सहयोग करें। 3 तारीख को सुबह प्रातः 9 बजे अभिषेक किया जाएगा और दोपहर को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा और 12:30 बजे हमारी साधु सेवा रहेगी और 1:30 बजे से हमारा प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। अतः सभी सिंधी भाइयों से निवेदन है कि इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज का जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ाएं। मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी, पूज्य सिंधी जनरल पंचायत मथुरा के द्वारा एक बार फिर गोवर्धन में 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। ये 56 भोग 3 सितंबर को होगा और इससे पहले 2 सितंबर को पूरे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई जाएगी। इसके लिए 2 सितंबर को शाम को 5 बजे संग्रहालय डैम्पियर नगर और राधिका विहार से बसें जाएंगी और ये बसें पूरे कृष्णा नगर नया बस अड्डा होते हुए गोवर्धन पहुंचेंगी। 3 सितंबर मंगलवार को सुबह 9 बजे बसें जाएंगी म्यूजियम डैम्पियर नगर और राधिका विहार से। ये बसें नया बस अड्डा होते हुए कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन चौराहे होते हुए गोवर्धन पहुंचेंगी और इस तरीके से सबसे पहले 3 तारीख को अभिषेक होगा और उसके बाद 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ सजातीय लोगों के लिए भंडारा भी होगा।